अंधेरी कोठरी में बैठ करके प्रकाश की बात करने पर प्रकाश नहीं होता, प्रकाश का उपाय करना पड़ता है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई, निष्गृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहीं होई। दीपक की बात करने पर तम की निवृत्ति नहीं होती, इसलिए ज्ञान दृढ़ हो तब वो ज्ञान कल्याण करता है। तो ये ज्ञान की दृढ़ता कब होगी? बोले जब कर्मों के द्वारा अंतःकरण शुद्ध होगा तो ज्ञान मार्ग भी बड़ा कठिन। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ज्ञान के पंथ कृपाण की धार, जैसे तलवार की धार पर चलना हो वो ज्ञान मार्ग है। तलवारें बिछा दी जाएं और तलवार की धार ऊपर कर दी जाए और कहा जाए नंगे पांव चलो इस पे और चल करके निकल जाओ तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। बोले महाराज उस तलवार की धार पर चलना कितना कठिन है, सावधानी से नहीं चले तो पैर कटेगा और थोड़े असावधान हुए और गिर पड़े तो जहां जहां तलवार लगेगी पूरा शरीर कटेगा। ज्ञान के पंथ कृपाण की धार, ज्ञान का मार्ग तलवार की धार पर चलना बड़ा कठिन। इसीलिए ज्ञानियों का कभी कभी पतन भी होता है। ज्ञानियों का मतलब अगर ज्ञानी सच्चा ज्ञानी है तब तो पतन नहीं होगा, लेकिन सच्चा ज्ञान नहीं हुआ लेकिन ज्ञानाभिमान हो गया कि हम ज्ञानी हैं तो पतन तय है, क्योंकि ज्ञान में अभिमान की संभावना बनी रहती है। ज्ञान में अभिमान की संभावना बनी रहती है इसलिए पतन का भय होता है। वेदों ने जब भगवान की स्तुति की तो वेदों ने कहा कि जे ज्ञान मान बिमत तब भव हरणि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। वेद भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि जे ज्ञान मान बिमत तव भव हरणि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि। बड़े से बड़े पद को प्राप्त करके भी उसका पतन हो जाता है। तो ज्ञान मार्ग ये बड़ा कठिन है।